अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैफ अली और इलम सीखो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकम पार्ट वन और उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 17 सॉल्व करेंगे। मिस शाजिया कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फ्राम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड विद 31 December 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मिस शाजिया हैं, वो अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रखती हैं और हमें दर्जा ताल इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 December 2017। ऑन 1 January 2017 हर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलो। ये हमें ओपनिंग बैलेंसेज बताए जा रहे हैं। मशीनरी है ₹60,000, स्टॉक ₹50,000, सन्ड्री डेटर्स ₹60,000, फर्नीचर ₹5,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹10,000। कैश ऑफ मिस शाजिया गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और ये हमें कैश बुक की इंफॉर्मेशन दी गई है। कैश रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स ₹80,000, कैश सेल्स ₹30,000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹40,000 एंड कैश परचेज ₹25,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1,500, सैलरीज ₹5,000, ड्राइंग्स ₹4,000, जनरल एक्सपेंसेस ₹8,000 एंड ₹22,000 रेंट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स वॉज ₹4,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स वॉज ₹2,500। गुड्स वर्थ ₹3,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर्स एंड द गुड्स वर्थ ₹2,500 वर रिटर्न टू हर सप्लायर्स। डिस्काउंट जो अलाउ किया गया है डेटर्स को वो है ₹4,000 और जो क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव किया है वो ₹2,500 है। ₹3,000 की चीज़ें कस्टमर्स ने रिटर्न की हैं और ₹2,500 की चीज़ें मिस शाजिया ने अपने सप्लायर्स को रिटर्न की है, यानी कि ये परचेजेस रिटर्न है। ऑन 31 December 2017 हर पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलो। स्टॉक ₹45,000 और ये हमें क्लोजिंग बैलेंसेस बताए जा रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स ₹70,000, बिल्स रिसीवेबल ₹6,000, बिल्स पेबल ₹4,000, मशीनरी ₹60,000, फर्नीचर ₹5,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹25,000 एंड सन्ड्री एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 6%। तो हम सबसे पहले डेटर्स का और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें सेल्स और परचेजेस क्रेडिट अमाउंट उनकी मिल जाए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का ₹60,000। बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹60,000 और फिर हम लिखेंगे जो हमने पेमेंट रिसीव कर ली, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स ₹80,000। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, जो हमने डिस्काउंट दिया है अपने डेटर्स को ₹4,000। देन सेल्स रिटर्न, जो मिस शाजिया को चीज़ें रिटर्न हुई हैं उनके कस्टमर से वो हैं ₹3,000। देन बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ₹6,000। और उसके बाद है कैरी डाउन बैलेंस, यानी कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और हमारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ₹70,000। ये हमने लिख लिया। अब हम इनको टोटल करते हैं तो हमारे पास आ गया ₹5,50,000। इसमें से ₹55,000 टोटल है। ये टोटल गलत हुआ है, सबसे पहले है 80,000, हम इनका टोटल नेट कर लेते हैं, प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 70,000, 1,63,000 है। इधर 1,63,000 होगा, इसमें से हम लेस करेंगे जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का और वो हमारे पास है 60,000।
लेस 60,000। तो ये हमारे पास 1,03,000 रुपये क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आ गई। इसी तरह हम क्रेडिट परचेजेस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ क्रेडिटर्स, और वो है हमारे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस है 30,000, ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने पेमेंट्स की है कैश कैश में क्रेडिटर्स को, वो लिखेंगे 40,200। देन डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ है 2,500। देन परचेज रिटर्न है, जो सप्लायर को चीज़ें रिटर्न की हैं मिस शाजिया ने, वो लिखेंगे रुपीज़ 2,500 है वो भी। बिल्स पेबल हैं 400 रुपीज़, जिस तरह हमने ऊपर 6,000 बिल्स रिसीवेबल लिखे थे, इसी तरह बिल्स पेबल हैं हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और वो है 4,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, और वो है 25,000 रुपीज़। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं, 40,200 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 25,000, ये है 74,200। इसमें से हम लेस करेंगे 30,000, तो ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 44,000, और इन बैलेंसेस को यूज़ करके तो हम बनाएंगे कैश बुक। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स रुपीज़ 80,000, और ये डेटर्स हैं ओपनिंग, इधर हमें ऊपर दिए गए हैं सन्ड्री डेटर्स। देन सेल्स रुपीज़ 30,000, वो हमने अभी फंड की थी। और इनको टोटल करेंगे तो 1,10,000 हमारे पास टोटल इनका आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे पेमेंट साइड पे, सबसे पहले है ओवरड्राफ्ट की पेमेंट है रुपीज़ 10,000। देन क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स हैं रुपीज़ 40,000। देन परचेजेस हैं 25,000 की, और ये रही कैश परचेजेस। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है रुपीज़ 1,500, सैलरीज हैं 5,000, देन ड्राइंग्स हैं 4,000, और जनरल एक्सपेंसेस हैं 8,000, एंड देन रेंट है 2,200 रुपीज़। तो हम इनको बैलेंस कर लेते हैं, 1,10,000 लेस 10,000 प्लस 40,000 25,000 1,500 1,10,000 प्लस 10,000 40,000 25,000 एंड 1,500 एंड देन 5,000 4,000 8,000 एंड 2,200। तो ये हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि कैश ऑन हैंड है, हॉट कैश, और ये बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे ओपनिंग कैश बुक। ओपनिंग कैश बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी, और मशीनरी है हमारे पास रुपीज़ 60,000। देन स्टॉक रुपीज़ 50,000 एंड देन सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 60,000, और उसके बाद फर्नीचर है रुपीज़ 5,000।
जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,75,000। और इधर हम देखते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटी और कैपिटल कौन को लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले हैं ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 10,000 रुपीज़। देन क्रेडिटर्स हैं रुपीज़ 30,000। बस यही दो चीज़ें हैं, एक ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और दूसरा ये क्रेडिटर्स हैं। $60,000 + $50,000 + $5,000, इसमें से हम लेस करेंगे ये 40,000। सबसे पहले है ओवरड्राफ्ट का 10,000 एंड देन क्रेडिटर्स 30,000। तो हमारे पास 1,35,000 बैलेंस आ गया कैपिटल का। ये ओपनिंग कैपिटल है हमारा 1,35,000। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, सेल्स से स्टार्ट करते हैं। 1,03,000 सेल्स हैं जो हमने फाइंड की थी ऊपर। इसमें हम ऐड करेंगे कैश सेल्स, और कैश सेल्स हैं हमारे पास 30,000। जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 1,33,000। और जब जो हमने चीज़ें रिटर्न की हैं सप्लायर्स को, मिशादिया ने चीज़ें रिटर्न की हैं 3,000, तो ये सेल्स रिटर्न हैं लेस रिटर्न्स, तो नेट अमाउंट आ जाएगी सेल्स की 1,30,000। और क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया गया है ये एंडिंग बैलेंसेस में स्टॉक 45,000, और ये है क्लोजिंग स्टॉक 45,000। जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 1,75,000 रुपीज़ होगा। अब देखते हैं हमारे सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो हमने फाइंड किया था, ये है 50,000 एंड देन ये रहा स्टॉक 50,000। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, और परचेजेस में हमारे पास दो हैं। सबसे पहले कैश परचेजेस हैं, और कैश परचेजेस हैं हमारे पास 45,000, ये क्रेडिट परचेजेस हैं, और जो नीचे लिखी हैं ये कैश परचेजेस हैं 25,000, और ये ऊपर वाली क्रेडिट परचेजेस हैं। बहरहाल दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास 69,000 परचेजेस होंगी। और जो हमारे पास परचेजेस रिटर्न हैं वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेस रिटर्न्स 2,500 ये रही। तो नेट अमाउंट जो होगी हमारे पास परचेजेस की 66,500। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। 1,75,000 लेस 66,500, तो ये 1,08,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अमाउंट में कुछ गड़बड़ हुई है, तो अभी हम देखते हैं दोबारा। 1,75,000 लेस 66,500, और ये 50,000 ओपनिंग स्टॉक भी लेस करना है। 58,500 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, जब इसको नीचे हम लेके आएंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो जाएगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद हमें डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है हम वो लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव रुपीज़ 2,500 ये लिखा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स वाज रुपीज़ 2,500, क्योंकि ये भी इनकम है और इनकम सारी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे हम। अब हम रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 1,500, देन सैलरीज रुपीज़ 5,000, और आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज हैं वो हम ऐड कर देंगे 500 रुपीज़। तो नेट अमाउंट हो जाएगी सैलरीज की 5,500। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000, एंड देन रेंट रुपीज़ 2,200,
डिस्काउंट अलाउ है ये 4000 रुपीज़ है। उसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज़ 6000 और मशीनरी की अमाउंट है 60000 और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो जब हम डेप्रिसिएशन के ऊपर मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 60000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 तो 6000 डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट है 5000 और इसके ऊपर 6% डेप्रिसिएशन है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 तो 300 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गई। इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट है और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम पेमेंट जो हमारी इनकम है उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनका टोटल कर लेते हैं। प्लस 61000 इनका टोटल है, इसमें से सभी एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से हम लेस करेंगे 1500, देन 5500, देन 8000 एंड देन 2200, 4000, 6000 एंड 300, 33500 नेट प्रॉफिट है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट्स का रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश जो हमने फाइंड किया था वो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे 14300, देन मशीनरी रुपीज़ 60000 और इसकी डेप्रिसिएशन है 6000 रुपीज़, तो नेट अमाउंट होगी मशीनरी की 54000। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टॉक रुपीज़ 45000 और ये क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे 45000। इसके बाद लिखेंगे हम डेटर्स रुपीज़ 70000 और डेटर्स की अमाउंट हमें दी है ये रही 70000। इसके बाद हम लिखेंगे फर्नीचर और फर्नीचर 5000 का लिया था, इसके ऊपर 300 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है तो नेट अमाउंट हो जाएगी 4700। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि हैं 6000 रुपीज़। तो एसेट्स सारे के सारे रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, अब इनका हम टोटल करेंगे। प्लस 54000 प्लस 45000 प्लस 70000 प्लस 4700 प्लस 6000 194000 टोटल होगा। ये टोटल गलती से लिखा गया हुआ है। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल जो हमने फाइंड किया था 135000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड किया गया था 33500। इनका टोटल करेंगे 168500। इसमें से हम ड्राइंग्स लेस कर देंगे और ड्राइंग्स हैं हमारे पास 4000 रुपीज़, लेस ड्राइंग्स 4000 और नेट अमाउंट होगी 164500। इसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 25000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लिखेंगे बिल्स पेबल और बिल्स पेबल भी हमें बताए गए हैं 4000 रुपीज़। और लॉस पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वो है हमारे पास 500 रुपीज़, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो इनका भी टोटल कर लेते हैं 164500 प्लस 25000 प्लस 4000 प्लस 500, 194000 लाइबिलिटी साइड का भी टोटल है। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।